फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आचल सिंह। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में भी ज्ञानवापी का केस चल रहा है, जहां सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। और फिलहाल ज्ञानवापी केस कोर्ट में चल रहा है। इन सबके बीच 16 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ में कदम रखा और सीएम योगी के साथ उनके मंत्रियों के साथ बैठक भी की। पीएम मोदी और योगी के बीच हुई इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये धार्मिक नारे देश की फिजाओं में रह रहकर गूंजते रहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि काशी और मथुरा में जहां मस्जिदें खड़ी हैं, वहां कभी मंदिर हुआ करता था। यही वजह है कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की ईदगाह को लेकर कोर्ट में कई केस चल रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे के बाद तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है। इन चर्चाओं के बीच सोमवार को पीएम मोदी राजधानी लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी से मुलाकात करने के साथ ही उनके मंत्रियों के साथ डिनर भी किया। लेकिन पीएम मोदी के लखनऊ में कदम रखने के साथ ही उनके स्वागत के बीच जो कुछ हुआ, उसके बाद एक बार फिर चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि अब मथुरा की बारी है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन यानी 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का दर्शन करने के बाद पीएम मोदी सीधे लखनऊ पहुंच गए, जहां उनका स्वागत यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया। इस स्वागत की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। एयरपोर्ट पर हुए स्वागत के बाद पीएम मोदी जब मंत्रियों के साथ डिनर करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, तो यहां खुद सीएम योगी ने अपने हाथों से पीएम मोदी को भगवान श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा भेंट की। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। ज्ञानवापी विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पीएम मोदी को भेंट की तो चर्चाएं तेज होने लगी कि क्या ये संकेत है कि अब मथुरा की बारी है। यही वजह है कि इस तस्वीर पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। संगीता नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा है कि क्या ये कृष्ण जन्मभूमि के लिए संकेत है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि संदेश साफ है, अब मथुरा की बारी है। ट्विटर यूजर नितिन ने लिखा है कि योगी जी सांस तो लेने दो। आशीष तिवारी नाम के एक यूजर ने लिखा कि मतलब अब मथुरा की तैयारी शुरू। एक और यूजर ने लिखा कि अयोध्या काशी तो झांकी है, मथुरा सजाना अभी बाकी है। जय श्री कृष्ण। पीएम मोदी को भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भेंट करते हुए सीएम योगी की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, लोग कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। कोई इसे मथुरा की तैयारी के तौर पर देख रहा है, तो कोई अगली कार सेवा करने का इशारा समझ रहा है। यूपी चुनाव के दौरान अयोध्या काशी के साथ ही मथुरा की भी खूब चर्चाएं हुई। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी रैली में ऐलान किया था कि हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कराएंगे, आज वहां निर्माण कार्य चल रहा है। अभी काशी विश्वनाथ धाम का भी भव्य निर्माण चल रहा है और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग? और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना? और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। सीएम योगी ने अयोध्या में भी एक चुनावी रैली के दौरान सपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगली कार सेवा में कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी, फूल बरसेंगे। सीएम योगी का ये बयान सामने आया तो माना जाने लगा कि कहीं ये अगली कार सेवा मथुरा की ओर इशारा तो नहीं है। इस वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे,
आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। आपको बता दें कि ये विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित एक मस्जिद से जुड़ा है, जिसमें दावा ये किया जाता है कि जहां अभी मस्जिद है वहां पहले मंदिर था। कहते हैं कि मुगल शासकों ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। वहीं बीते कुछ समय से इस बात की मांग लगातार होती रही है कि वो जो विवादित जगह है जिसे मंदिर बताया जाता है उसे हिंदुओं को सौंप दिया जाए और उन्हें वहां मंदिर बनाने के साथ ही पूजा पाठ करने की इजाजत भी दी जाए। इस मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में तमाम मुकदमे चल रहे हैं। गुरुवार को ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले को जल्द निपटाने की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने मथुरा की अदालत को निर्देश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड व अन्य पक्षकारों के सुनवाई में शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि मथुरा केस की सुनवाई में भी तेजी आ सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग? और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना? और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी।